जय माता की। आज रामनवमी है गाइज, और आज व्रत का लास्ट डे था। सबने अष्टमी, मतलब कल अष्टमी की, आज नवमी की है। और मुझे, मैंने तो कल अष्टमी की थी। मुझे, मेरे यहाँ पर अष्टमी होती है, तो हमारे यहाँ कल अष्टमी थी। मैंने कल कंज का पूजन किया और आज मेरा नाइट ऑफ है। आज सब लोगों ने, जिन जिनके घर में नवमी पूजती है, उन्होंने आज नवमी की है। और आज नवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ, और माता रानी का साथ हमेशा बना रहे, कृपया आप पे बनी रहे। और बहुत दिन हो गए थे हमें तो बाहर से कुछ खाया नहीं था, तो आज हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाने। और बने रहेगा आप ब्लॉग में गाइस। गाइस, मैं ना रेडी तो हो चुकी हूँ, लेकिन बस मुझे चेंज करना बाकी रह गया है। चेंज करने हैं, हस्बैंड तैयार हो रहे हैं, उनको भी जाना है। आकाश का फ़ोन आ रहा है बार बार, आकाश बोल रहा है जल्दी आओ भाभी, जल्दी आओ, और लेट हो रहे हैं, उसे भी जाना है। तो हम तीनों इकट्ठे एक साथ जाएंगे और बाहर कुछ खा पी के आएंगे, थोड़ा इन्जॉय करके आएंगे। एक हफ्ता अभी हम कहीं गए नहीं है। तो अभी कितने बजे हैं, 10:30 बजे हैं। 10:30 बजे रात के हम अब जाएंगे। और वैसे तो नाइट में अच्छा लगता है, गर्मी के सीजन में नाइट में ही मज़ा आता है घूमने का, ट्रैफिक भी नहीं होता, अच्छे से घूमने में भी अच्छा लगता है। तो आप गाइस कहीं भी मत जाइएगा, ब्लॉग देखते रहिएगा और बने रहेगा आगे तक हमारे ब्लॉग में। कुछ आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम दिखाएंगे आपको कि पहले मैं जाऊँगी मदर इन लॉ के पास, फिर वहाँ से आकाश को पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे बाहर। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मुझे टाइम नहीं लगता रेडी होने में, बस ये हो रहे हैं। कब तक चलोगे? ठीक है, जल्दी हो जाओ, मैं तो पूरी रेडी हो चुकी हूँ। तो वैसे जाएंगे कहाँ अब हम? मम्मी से मिलने। ठीक है, पहले जाएंगे मम्मी के पास, मम्मी के पास से लेंगे आकाश को, पिक करेंगे आकाश को, लेने के बाद हम जाएंगे, देखेंगे क्या लेना है, कहाँ जाएंगे। हाँ, आकाश बताएगा, आकाश को ही पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ठीक है, तो गाइस बने रहेगा ब्लॉग में आप आगे तक, कोई भी वीडियो को, कोई भी आप कुछ भी स्किप ना करें वीडियो को। तो गाइस पहुंच चुकी हूँ यहाँ, कमला मंदिर आना हमारे घर के पास है, जहाँ मदर लोग रहते हैं, वहाँ पर ना कालकजी मंदिर पड़ता है। तो ये पूरा रास्ता कालकजी मंदिर है, मंदिर को ही जा रहा है। जय नारे लगाया जा रहे हैं माता रानी के, क्योंकि यहीं से मंदिर की शुरुआत है। हम जाएंगे साइड। तो गाइस आज मेरे साथ में प्रैंक हो गया, क्योंकि ना मैं यहाँ पर आई हूँ और आकाश ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं भाभी, घर पे इतना अच्छा खाना बना, मम्मी ने 3 सब्जियाँ बनाई है, मेरी सास माँ के अंदर ये चीज़ है, वो बना लेती है 3-3 सब्जियाँ। तो उन्होंने सूखे आलू और मिक्स दाल है और एक सब्जी वो है आलू गोभी, ये 3 सब्जियाँ। तो उन्होंने बोला, मम्मी भी कह रही कि 11 बजकर क्या जाओगे तुम बाहर। तो मैंने कहा आज तो ये अच्छा भला प्रैंक बन गया हमारे साथ, फर्स्ट टाइम आज प्रैंक बन गया। ऐसा प्रैंक बना ना कि बता नहीं सकती। और देखो वो कैसे छिप रहा है, अब छिप रहा है, इसको देख लो कैसे कर रहा है प्रैंक। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे शुरू, और आज बहुत सारे काम निपटाने हैं, और मेड का भी थोड़ा कुछ ऐसा, हमारी मेड बहुत धोखा दे देती है, मेड आती नहीं है, कभी लेट आती है, कभी नहीं टाइम से आती कभी। तो इसलिए मैं अब थोड़ा कम अपने आप करूँगी, इतनी डस्टिंग करनी है, जाले इतने घर में लगे हुए हैं, वो सब हटाने हैं मुझे आज। पता है 15 दिन से मैंने सफाई नहीं की अपने आप से, और बस। तो डिपेंड हमें नहीं रहना चाहिए अपना, मतलब मेड पे, कि मेड पे हम डिपेंड रहे हैं। वो मेड ने भी, मतलब मैं इतना समझाती हूँ कि आंटी है यहाँ से कर दो, वहाँ से कर दो, लेकिन वो सुनती ही नहीं है। तो देखो मैं इस मेड को शायद हटा दूँ, मुझे मेड नहीं करना, मैं खुद अपना आप करूँगी, मुझे मेड से क्या करवाना, मेरे अपने हाथों का काम अपना ही होता है। तो गाइस अभी देखना आज का पूरा मेरा शुरुआत रूटीन कैसे चलता है। अभी बजे है 9, और 9 बजे से मैं भी सो के उठी हूँ 5 मिनट पहले, 9 बजे से मेरा काम शुरू। अब देखना मैं क्या क्या करूँगी अपने आप,
और कैसे करूँगी, मेड पे तो भरोसा ही करना बेकार है कि वो ठीक से काम ही नहीं करती है, ना सुनती है, टाइम से नहीं आती है। जॉब करती हूँ, जॉब वाली हूँ, लेकिन तभी उनको 11 कभी 10 कभी 12 ये कोई टाइम था ना आने का, तो मुझे वो सही नहीं लगा। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं मेड हटा दूँगी और अपने आप ही करूँगी या फिर कोई अच्छी मेड देखूँगी। और तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। और आज पहले बनाऊँगी मैं चाय। इतने दिन से मैंने जो मैं था जाले छुटा हूँ। तो गाइस ये देखिए, आपको कुछ दिख रहा है? ये देखिए, मुझे इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, वो मेरे नवरात्र थे इसलिए मैं अपने हाथ से सफाई नहीं कर पाती, क्योंकि नवरात्रों में हम लक्ष्मी को मतलब नहीं ऐसे साफ करते व्रत वाले लोग। अब मैंने सोचा चलो व्रत तो खत्म हो चुके, चलो मैं ही करती हूँ ऐसा। ये जाला मैं 9 दिन से देखती आ रही हूँ, 9 दिन से मुझे जाला पर खटक रहा था ना, तो मैंने कहा चलो मैं ही साथ में आंटी को नहीं दिखाई जा रहा। घर को पता नहीं, ओह माय गॉड, ये देखो छोटे छोटे कोने में लगे हुए, यहाँ के लिए मुझे इसकी माय गॉड। अगर आप 3 से 4 दिन ऐसे साफ करोगे तो क्यों इतनी मेहनत करना बताइए? डस्टिंग किस लिए पैसे देना? पैसे डस्टिंग की भी देती मैं तो, ये भी नहीं कि सिर्फ झाड़ू पोछे के पैसे देती। हालांकि मैं डस्टिंग के अलग से पैसे देती, लेकिन तब भी देखो डस्टिंग का मतलब क्या है? बस टीवी साफ करना थोड़ा है। तो ये मैंने जाले तो छुटे, मुझे लग रहा है क्या जाले छुटाने में मुझे 1 घंटा लग जाएगा गाइस, पूरे घर में जाले लगे हुए पता नहीं कैसे आ चुके हैं। मैं तो देखो 2 से 3 दिन करती, जॉब वाली भी हूँ ना, तब भी मैं जाले छुट अपने घर में नहीं छुटने देती। अभी देखो जब मैं हटा दूंगी ना तो मैं खुद अपने हाथों से जाले 3 से 4 दिन छुटाऊंगी। मुझे मेरे घर में जाला एक भी हो जाए ना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पता नहीं कब तक मेरे जाले साफ होंगे, कब मैं शुरुआत करूंगी अपनी। अभी भी देखता हूँ इतना, बताओ क्या कर दिया इस घर का, इतना सुंदर घर था इस महल का मेरे, पता नहीं क्या फायदा हुआ काम वालियों को काम करवाने का, जब इनको पता ही नहीं महलों में रहने में काम कैसा होता तरीका। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आज का, इस बहुत ज्यादा गुस्सा। हम दोनों ने कितने प्यार से घर खरीदा, हम दोनों की मेहनत थी कि हम दोनों चलो ये लेंगे ऐसा करेंगे, और इस मेहनत का कर दिया इसने ये हाल। ओ मैं कोने कोने में छिपा है, देखिएगा इस कोने में बैठे इतना बड़ा, ओह गॉड स्मेल कैसा हट जाएगा। ये देखो किसी को नहीं दिख रहेगा, मुझे दिख रहा है तो हद हो गई, पता नहीं क्या है। मैं अपने घर में जाला लग नहीं दूंगी, अपने घर को खुद साफ करूंगी, मुझे किसी मेडों से काम ही नहीं करवाना है। अब उधर की तरफ कैसे जाऊं, उधर मेरा हाथ नहीं जाएगा, उसके लिए मुझे स्टूल लेना होगा। बताओ ये घर का क्या हाल हो गया, जैसे कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है। देखने वाले तो कोई कोई खुश भी हो रहे गाइस, देखने वाले तो खुश भी हो रहे होंगे मजा आ गया, लेकिन किसी की खुशकी उड़ाना बेकार गलत बात। लोग तो बहुत मजे भी लेते हैं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाय फ्रेंड्स, ओ माय गॉड ये क्या हुआ, क्या मैंने बोला